मम्मी का दुकान में से फोन आया, बेटा बालकनी में दरी और कट्टा पड़े हुए हैं, इसको छत पे डाल के आ जा। हमने उठाया और चल पड़े ऊपर। इसके अंदर पानी होने की वजह से बहुत भारी हो गया था। कैसे तैसे करके हम इसको छत पर लेके गए और इसको सुखा दिया। और ये देखो कैसे पीला पीला पानी निकल रहा है इसमें से। क्या कर सकते हैं, सच्ची चीज होगा यही हाल होता है। ज्यादा काम करने की वजह से हमको लग गई थी भूख। देखा फ्रिज में ये डब्बा पड़ा हुआ था और डब्बे में थी मिठाई। वाह, देखने में तो बढ़िया लग रही है। चलो गौरव भैया के पास चलते हैं। सबसे पहले हमने टेस्ट किया, खाकर देखेंगे तभी भैया को खिलाएंगे। तो खाने में बढ़िया लग रहा था। फिर हमने अपने भैया को बाइट दी। ओहो, सच में पता नहीं क्या था, नाम नहीं पता हमको, पर जो भी था अच्छा था। इधर देख, इधर इधर देख, एक बार। इस लल्ला ने हमारी एक ना सुनी, एक बार भी फोन में ना झाका कि क्या कर रही है बहन। रोजाना अंकल हमारी गली में 2 बजे के बाद अवश्य आते हैं नान खटाई बेचने, तो हम लेते नहीं है। तो इस बार हमने सोचा यार 10 रुपए की ले लेते, क्या जाता है। नान खटाई ली और पहुंच गए अपने भैया के कमरे में। हमारे भैया के खाने का स्टाइल देखो, लेट के भी खाना खाते हैं, लेट के ही नान खटाई भी खा रहे हैं। वो बता देते हमारे यहाँ नान खटाई 10 रुपए की 10 मिलती है, पर साइज में थोड़ी थोड़ी छोटी होती है, पर अच्छी होती है। बड़े भैया देख रहे थे टीवी और हम बैठे थे खाली। टेबल पे कपड़े देखा तो सोचा तय ही मार देते हैं। और इनको देखो, ना जाने कहां कहां से इनको सामान मिल जाता है और फिर इनको तोड़ने बैठ जाते हैं ये। और ये हमारी है फैमिली फोटो। मम्मी ने घर का कोना कोना साफ कर दिया था, कहीं पे भी घर में हमको मिट्टी नहीं मिल सकती। अब फ्रेम लगा के हमने सेट कर दिए थे। सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और गोविंदा हमारे गौरव भैया के फेवरेट हीरो है। सारा दिन ये इन्हीं की पिक्चर देखते हैं। सारा दिन ऐसे ही पिक्चर देख के कुदैया मारते हैं भैया। देख चिज़ी। बड़े भैया खेल खेल के थक गए थे तो सोचा इनको कुछ खिलाया जाए। ये वही पेस्ट्री है, पता नहीं रोल है, केक है, जो भी था बड़ा अच्छा था। नारियल का इसमें टेस्ट था। भैया 2 पीस लाया था, आधा आधा चारों लोगों के लिए, तो उन्होंने तो खाया नहीं था। हमने कहा हम ही खा लेते हैं, खराब हो जाएगा। तो हम दोनों भाई बहन बैठ गए इसको खाने के लिए और टच वुड बहुत टेस्टी था। बस हमने सोचा थोड़ी मस्ती की जाए, फिर उसके बाद भैया को प्रॉपर अच्छे ढंग से खिलाएंगे, क्योंकि सारा दिन तो पिक्चर देखते रहते, किसी से बात नहीं करनी, चीत नहीं करनी। तो हमने सोचा पहले इनके साथ थोड़ी मस्ती की जाए, फिर उसके बाद अच्छे से खिलाएंगे। ज्यादा देर हो गई थी, गुस्सा हो जाते, इसलिए हमने भैया को फाइनली खिला दिया था। बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी आपने इसका गुस्सा नहीं देखा। जिस दिन दिखाएंगे ना रिकॉर्ड करके, आप सभी को जरूर दिखाएंगे भाई का गुस्सा। लगे हाथ हमने मुंह भी साफ कर दिया। मोटर चलाई तो मोटर में पानी आ रहा था। मम्मी ने कहा था पानी आए तो मशीन लगा दियो, ठंड के कपड़े धोने हैं। तो हमने यहाँ पे मशीन लगा दी, ठंड के कपड़े डाल दिए और चल पड़े छत पे कि टंकी में कितना पानी है चेक करने। बीच जीने में ही हमारी उतर गई थी चप्पल, फिर भी हम सावधानी पूर्वक ऊपर गए, टंकी देखा, फिर नीचे उतरे। देखो यहाँ पड़ी थी हमारी चप्पल, पीछे मुड़ के देख नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ बहुत खतरा है। ये जीने ना हमारे खतरे के, अगर नीचे गिर गए, गलती से पैर कहीं भिड़ा तो सीधा नीचे धड़ाम जाके नीचे गिरेंगे। और यहाँ से हमने उठा लिया था पाइप की, जल्दी जल्दी मशीन में पानी भरेंगे, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। कपड़े धुल गए थे, चाय बनाई, भैया को सैंडल पहनाई और चल पड़े मम्मी की दुकान में भैया को लेकर। फिर हम सोचे खाली चाय पियेंगे अच्छा नहीं लगेगा, बिस्किट लिए, बिस्किट मिले नहीं थे तब तक हमने चावल खा लिए। बिस्किट मिला था क्रैक जैक, हमने कहा चलो कुछ तो है, लेके चल पड़े मम्मी के पास। बिस्किट लेके पहुंचे तो मम्मी कह रही मौसा छीन रो है ये। मम्मी कह रही तेरे लिए मंगाया, रुक जा भी दूंगी। यहाँ मम्मी भैया को दे रहे बिस्किट खोल के और यहाँ हमारी पड़ी है चाय। मुँचे साफ करो मम्मी, इसकी मुँचे साफ करना। ओ हो, कर ली उसने खुद ही। मम्मी चली गई थी सब्जी लेने, तो पीछे से हमने भैया को चुपके से कुरकुरे भी खिलाए। बचपन की दोस्त है, मैंने कहा तेरी वीडियो बना लूं इसके साथ यादगार। हाय गौरव।
अब है नेक्स्ट डे का सवेरा, बज रहे हैं 1, और हमारे भैया अभी तक सो रहे हैं। दरअसल ये बात है, 7 बजे भैया सुसु करके दोबारा सो जाते हैं, और फिर जब सो जाते हैं तो नींद लंबी चली जाती है। ज्यादा समय हो गया था, सोचा उठा देते हैं। कितनी देर सोते हो? सोते ही रहना होता है सारा दिन, हैं? सारा दिन निन्नी करते रहते हो। इधर देखो बहन को, सारा दिन निन्नी निन्नी करते रहते हो। इधर देखो, दवाई कब खाओगे? देखो कान कितना लाल हो रहा है तुम्हारा। उठ जाओ, चाय बना दू। बाबा सा बना हुआ है, बाबा सा शेफ कौन बनवाएगा? तो बाबा। 1 बजे सो के उठे हैं, 2 बजे खाना खाना था, तो हमने जल्दी जल्दी भैया के लिए बनाई चाय, और चल पड़े भैया को चाय देने। चाय के साथ साथ हमने पीछे भैया का टीवी ऑन कर दिया था ताकि ये बोर ना हो, यहाँ पे गाने चला दिए, और हमारे भैया पी रहे हैं मस्त चाय। चलो नाच गाना बहुत कर लिया, अब थोड़ा काम कर लेते हैं, और हम भैया के लिए बना रहे हैं अंडा ब्रेड। प्याज व्याज हमने सब काट लिया था, 1 ब्रेड बन गई थी, हम सोचा भैया को दियाते क्योंकि चाय ठंडी ना हो जाए। हमने भैया को बोल दिया था, भैया ब्रेड गर्म है तो ध्यान पूर्वक खाना। देखो गर्म है, भैया का बन गया मुंह। एक बात तो सच है, खाना बनाते वक्त हाथ बहुत जलते हैं। भैया की दूसरी ब्रेड हो गई थी रेडी, भैया की प्लेट लेके आए, और सबसे पहले हमने कुछ चखा। भैया तो बताते नहीं है कि नमक कम है, नमक ज्यादा है, कैसा है, तो हमने टेस्ट किया तो सब कुछ बेटर बेटर था, ठीक ठाक था। फिर हमने अपने भैया को दे के आए कि आप खुद खा लो। सच बताए, अंडा ब्रेड बहुत अच्छा बना था। हमने सोचा हम क्यों पीछे रहे, फिर हमने अपने लिए भी बनाया अंडा और ब्रेड, और खाने बैठ गए बाहर। नाश्ता भैया को करा के, सर पे पन्नी धर के, और चल पड़े मम्मी की दुकान में शीट लगवाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत है। सीधा अंदर डायरेक्ट हवा आती है, मम्मी को ठंड लगती है। यहाँ गली में भाई दिख गया था, भाई को पकड़ लिया और मम्मी ने शीट लगवा दी। गौरव भाई की सैंडल टूटी पड़ी थी, सोचा इसको मौसी के पास चलते जुड़वाने के लिए। वहां पहुंचे, देखा मौसी अंकल ही नहीं है, दुकान छोड़ के पता नहीं कहां गए हुए थे। नहीं मिले अंकल, थोड़ी देर बाद आइए। घर पे गए तो देखा ये मधुमक्खी घर में पड़ी हुई है उल्टे मुंह। हमने अपने भैया का सारा शरीर चेक करा, इसको कहीं काट तो नहीं गया, हाथ चेक करे, फिर पैर भी चेक करा, ये डाउट लगा था, पर ये कुछ नहीं था, ठीक था। मतलब मेरे भैया को कहीं नहीं काटा था, मतलब बताता तो है नहीं, हमें खुद ही आके इसके पूरे शरीर को चेक किया। ओके, रिपोर्ट ओके थी। आज के व्लॉग का यहीं समाप्त करते हैं।